वेलकम टू उपासनास मैजिक मोमेंट चैनल। उपासना की मैजिक मोमेंट चैनल में आप लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आज मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ सब्जी का एक रेसिपी, और ओस वाला सब्जी हम लोगों के अंदर किसी किसी का फेवरेट है, जैसे मेरा, पर किसी किसी का फेवरेट नहीं है। आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की एक सब्जी जिसमें छोला डालता है, और ये वाला रेसिपी बंगाल में बहुत फेमस होता है। लुच जो पुड़िया होते हैं, पराठे होते हैं, राइस होते हैं, रोटी होते हैं, सबके साथ बंगाली लोग खाता है, और इनविटेशन जो घर होता है वो घर में भी ये रेसिपी बनता है। चलिए देख लेते हैं ये वाला कद्दू की सब्जी कैसे बनता है। कद्दू की ये वाला जो रेसिपी है उसको बोलता है कुमड़ो चक्का, बंगाली में इसको बोलते हैं कुमड़ो चक्का। और इसके बनाने के लिए इसका जो पील होता है उसको निकालते नहीं है, इसमें सब्जी के अंदर और भी ज़्यादा स्वाद आता है। पहले मैं कढ़ाई में तेल डाल दूँगी, थोड़ा सा, इतना सा तेल डाल दूँगी। तेल डालने के बाद मैं इसके अंदर पहले ऐड करूँगी राई, इसको बोलते हैं मस्टर्ड सीड्स। उसके बाद ऐड करूँगी 2 ड्राई रेड चिलीज। उसके बाद ऐड करूँगी साबुत जीरा। फ्लेम को एकदम धीरे रखना है जैसे मसाला ना जले, और ये मसाला को एक बार चला लेना है। इसके बाद पूरा सा मसाला फ्राई हो गया, अब मैं इसके अंदर और थोड़ा ऑयल डालूँगी। डालने के बाद मैं इसके अंदर पहले ऐड करूँगी बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज डाल दिया, अब हमें प्याज को फ्राई कर लेना है। प्याज को थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। देखिए इधर मैंने ऑनियन को फ्राई कर लिया, अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टीस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट, क्योंकि ये ज़्यादा तीखा नहीं होता है, मीठा मीठा बनता है। और ऐड करूँगी 2 चम्मच अदरक का पेस्ट, और उसके साथ साथ ऐड करना है 5 टीस्पून टमाटर का पेस्ट, एकदम पतला वाला पेस्ट बना लिया मैंने। ये पेस्ट को अच्छे से फ्राई कर लेना है। चलिए मसाला को पहले फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद हम इसमें आलू और कद्दू डाल देंगे। देखिए मैं इधर मसाला को थोड़ा सा फ्राई कर लिया, अब हमें इसके अंदर थोड़ा सा आलू ऐड करना है। आलू को मैंने ऐसे डाइस कर लिया है, थोड़ा सा 2 मीडियम साइज आलू मैंने ऐड किया, और इसको एक बार फ्राई कर लेना है। फ्लेम को आपने हाई कर दूंगी। देखिए आलू को फ्राई करना है। आप इसको बाद इसके अंदर ऐड करूँगी कद्दू, इतना सारा कद्दू मैंने ऐड कर दिया। कद्दू करने के बाद इसको फिर से इसको अच्छे से इसको भूनना है मसाला के साथ, क्योंकि बंगाली वाला जो कुमड़ो चक्का होता है या कद्दू वाला जो सूखा सब्जी बनता है, एकदम सूखा बनता है, मीठा मीठा बनता है, ज़्यादा तीखा नहीं होता है। कद्दू वैसे भी मीठा होता है, अब इसके अंदर थोड़ा सा शक्कर इमली का जूस भी डाला जाता है और भी मीठा बनाने के लिए। चलिए इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। देखिए कद्दू को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया मसाला के साथ, अब हमें इसके अंदर एक भीगा हुआ चना डालना है। आप चाहे तो थोड़ा सा बॉईल कर सकता है, पर ये भीगा हुआ चना में ज़्यादा स्वाद आता है। देखिए इसको फिर से एक बार चना के साथ भूनते हैं। सच में ये वाला रेसिपी बंगाली में एकदम ऑथेंटिक है, और बहुत ही बड़ा स्वाद है इसका।
उसको अच्छे से फिर से एक बार चना डाल दिया, आलू डाल दिया, मीठा वाला कद्दू डाल दिया और इसको फिर से एक बार चला लेना है। चलिए इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। देखिए मैंने कद्दू को थोड़ा सा भून लिया। अब हमें इसके अंदर मसाला डालना है। वैसे मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला, डालूँगी 1 टीस्पून जीरा पाउडर, इतना 1 टीस्पून करके डालना है। डालूँगी 1 टीस्पून धनिया पाउडर, सब 1 टीस्पून के मुताबिक ही डालना है, उससे ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च का पाउडर। जैसे ये मीठा बनता है तो इसमें तीखा मिर्ची नहीं जाएगा, सिर्फ कलर के लिए कश्मीरी मिर्ची डाल दिया मैंने। अब हमें इसके अंदर डालना है थोड़ा सा सॉल्ट और अब हमें इसको एक पेस्ट बनाना है। चलो इसको एक पेस्ट बना लेते हैं। देखिए कद्दू आलू और जो चना था वो कितना भुन गया है। अब हमें इसके अंदर ये वाला मसाला का पेस्ट डालना है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली का पाउडर डाला और इसको पूरा डाल देना है सब्जी के अंदर और तो मसाला को भूनना है अच्छे से, अच्छे से पकाना है। उसके साथ जैसे ये वाला सब्जी एकदम मीठा मीठा बनता है, इसमें जाएगा 2 टीस्पून शक्कर। चलिए फिर से मसाला को चला लेते हैं। देखिए मैंने थोड़ा सा मसाला को चला लिया। अब हमें इसके अंदर डालना है ये मीठा मीठा इमली का चटनी। ये इमली का जो पल्प था उसके अंदर थोड़ा सा शक्कर और गुड़ डाल के मैंने इसका एक चटनी बना लिया। और ये वाला चटनी ना ये कुमड़ों की छक्का मतलब कद्दू वाला ये खट्टा मीठा सब्जी में बहुत अच्छा लगता है और स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। इसको अच्छे से भूनना है। आप हमें इसके अंदर थोड़ा सा रेड मिर्ची का पाउडर ऐड करना है, 1 टीस्पून बराबर ऐड करना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ये बहुत मीठा बनता है। इसको एक बार चला लेते हैं, अच्छे से इसको भूनते हैं और इसको पका लेते हैं। चलिए लौट के आते हैं। देखिए मैंने कद्दू को अच्छे तरह से भून लिया। अब हमें इसके अंदर पानी ऐड करना है। जैसे ये कद्दू और आलू का सब्जी बन जाए, देखिए इसको एक बार चला लिया मैंने और इसको थोड़ा सा उबालने के लिए मैं छोड़ दूँगी। चलिए लौट के आते हैं। देखिए हम लोगों का कद्दू और आलू का एक खट्टा मीठा सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार है। अब हमें इसके अंदर 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के बराबर थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करना है। ऐड कर दिया और इसको फिर से एक बार चला लेना है और ये वाला सब्जी को एकदम सूखा लेना है। ये वाला सब्जी एकदम सूखा सूखा बनता है, पानी नहीं रहता है इसमें। चलिए इसको सूखा लेते हैं और सर्व कर लेते हैं। देखिए हम लोगों का सब्जी एकदम बन के तैयार है, सूख भी गया है और ये देखिए आलू भी पक गया है और कद्दू भी पक गया है, ठीक है। चलिए इसको सर्व कर लेते हैं और चूल्हा को ऑफ कर देते हैं। देखिए हम लोगों का एकदम खट्टा मीठा कद्दू आलू की सब्जी बन के तैयार है। देखिए कितनी लाजवाब सूखा सूखा खट्टा मीठा बनी है, क्योंकि इसके अंदर मैंने थोड़ा सा इमली का चटनी डाला है, मीठा डाला है और छोले भी डाला है। देखिए कितने अच्छे दिखने में हुई है। कद्दू भी कितने अच्छे से पक गया है। इसको आप रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, पराठा के साथ खाइए और ज़रूर घर पे इसको रेसिपी को बनाइए। कैसे हुआ है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलिएगा। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, घर वालों के साथ अच्छे से रहिए, कोरोना से सेफ रहिए। स्टे एट होम, बिकॉज इफ़ यू विल स्टे एट होम देन द इंडिया विल विन द बैटल, ओके, एंड यू विल बी सेफ ऑल्सो। सो आज के लिए इतना तक ही, फिर से लौट के आऊँगी फिर से एक गर्मा गर्म रेसिपी के साथ। बाय। और मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।